दिल्ली के रामलीला मैदान में कांग्रेस ने किया विशाल रैली का आयोजन। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी ने किया रैली को संबोधित। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खुदरा क्षेत्र में विदेशी निवेश की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि रोजगार सृजन और समग्र विकास के लिए आर्थिक सुधार है आवश्यक। उन्होंने कहा कि सरकार नई नीतियों का लाभ आम आदमी तक पहुंचाने का कर रही है पूरा प्रयास। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने विपक्ष पर लोकपाल बिल के न पास हो पाने का लगाया आरोप। कहा भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए संसद में लोकपाल बिल को जल्द से जल्द पास करवाने का करेंगे प्रयास। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा गरीबों के उत्थान के लिए पार्टी प्रतिबद्ध। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं को राजनीतिक प्रणाली में ज्यादा हिस्सेदारी देकर ही देश का हो सकता है चहुंमुखी विकास। बिहार को विशेष दर्जा दिलाने के उद्देश्य से केंद्र पर दबाव डालने के लिए बिहार में सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड ने पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली का आयोजन किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा विशेष राज्य का दर्जा मिलने तक करते रहेंगे संघर्ष। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों पर हुआ शांतिपूर्ण मतदान। मौसम खुशगवार होने से लोगों ने मतदान में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। 459 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। युवाओं को माओवादियों की विचारधारा से दूर रखने के उद्देश्य से केंद्र सरकार विशेष कौशल विकास कार्यक्रम की करेगा शुरुआत, जिसके तहत नक्सल प्रभावित राज्यों के युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उन्हें कॉरपोरेट क्षेत्र में रोजगार हासिल करने के लिए किया जा सके तैयार। भारतीय सीमा सड़क संगठन ने कहा है कि देश के सीमावर्ती इलाकों में राजमार्ग बुनियादी ढांचे में आने वाले वर्षों में होने जा रहा है बड़ा बदलाव, जबकि 2007 में शुरू हुई लगभग 2000 सड़क परियोजनाएं होंगी पूरी। सर्वाइकल कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने में अब प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पत्नी भी आगे आई। उन्होंने कैंसर अवेयरनेस वॉक में हिस्सा लेकर लोगों को इसके प्रति सावधान रहने का दिया संदेश। अमेरिका में मंगलवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रचार अभियान अपने चरम पर। आखिरी वक्त पर वोटरों को अपने पक्ष में लुभाने के लिए ओबामा और रोमनी झोंक रहे हैं पूरी ताकत। दोनों प्रतिद्वंदियों के बीच कांटे की टक्कर। न्यूयॉर्क में सैंडी तूफान की वजह से बड़े पैमाने पर तकरीबन लाखों लोगों को बिजली के बिना रहना पड़ रहा है। इसके साथ ही सामान्य सेवा बहाली की धीमी रफ्तार की वजह से लोगों में बढ़ता जा रहा है गुस्सा। सीरिया में विद्रोहियों ने कहा कि एक प्रमुख हवाई अड्डे पर नियंत्रण के लिए सरकारी सुरक्षा बलों के साथ उनकी भीषण लड़ाई जारी। इंटरनेट पर जारी वीडियो में दिखाया गया कि सीरिया के उत्तरी हिस्से में दो महत्वपूर्ण शहर एलेप्पो और दमिश्क के बीच स्थित ताफ्तानाज बेस पर कब्जा करने के लिए लड़ाकू कर रहे हैं हमला। कैरोलिना वोजनाइकी ने $7,50,000 के इनाम राशि वाली टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में वोजनाइकी ने स्थानीय पसंदीदा खिलाड़ी स्वेतलाना पेरनकोवा को दी मात। महेश भूपति और रोहन बोपन्ना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पेरिस मास्टर्स के फाइनल में स्थान बनाया। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी ने पॉल हेनले और जोनाथन मैरे को दी मात।